नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल छिंदवाड़ा पेंट आर्ट हाउस में। इस वक्त हम वॉल में टेक्सचर डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि ग्रुपिंग टेक्सचर डिज़ाइन है। दोस्तों ये जो हम टेपिंग कर रहे हैं वो टेपिंग हमारी 5 इंच की दूरी में टेपिंग कर रहे हैं। 5 इंच की दूरी है और ऊपर से नीचे तक हमें सीधा सीधा जो है टेपिंग करना है। और हमने जो एक बॉर्डर ली है वो 3 इंच की आसपास से बॉर्डर ली है। और इसमें बॉर्डर लेने के बाद आपको नीचे भी एक पट्टी लगाना है। और इसमें इसके बाद जेके वॉल पुट्टी से आपको डिज़ाइन निकालना है। जेके वॉल पुट्टी आपको इसमें लगभग 18 किलो करीब लग जाएगी। 80 स्क्वायर फिट की हमारी वॉल है, वॉल एरिया है। और उसके बाद आपका ये डिज़ाइन आपको बनाना है। डिज़ाइन बनाने के बाद आपको जो टेप है तुरंत टेप मतलब आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर टेप निकाल लेना है। टेप निकालने के बाद इसकी रबिंग कर लेना है, घिसाई हल्की हल्की। घिसाई करने के बाद इसमें आपको इमल्शन करना है। इमल्शन आप कोई सा भी ले सकते हैं, डार्क ब्लू ले सकते हैं, डार्क रेड ले सकते हैं, डार्क ब्लैक ले सकते हैं। हमने यहाँ डार्क ब्लू लिया है। एक लीटर इमल्सन में आपको बहुत कम पानी डालना है और अच्छी तरीके से मिलाना है। इसमें लगभग 200 ml पानी, 200 से 250 ml पानी डालना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। पहले इमल्सन को अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है ताकि इसमें बबल्स वगैरह है जो है ना बने, किसी भी प्रकार के बबल्स वॉल में हमारी डिज़ाइन ख़राब ना करें। मिलाने के बाद फिर इसे अप्लाई करना है। इसे आपको ब्रश से अप्लाई करना है ताकि इसके जो रेशे हैं इसमें एक एक रेशों में आपका जो है कलर अच्छे से भर सके और कहीं ज़्यादा कलर इकट्ठा ना रहे। आपको एक सा इसे मारना है तो हमारे जो डिज़ाइन में फिनिशिंग दिखेगी। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी वॉल में एक सा कलर मारना है। एक कोट कलर मारने के बाद आपको सूखने देना है, 4 घंटे कम से कम इसे सूखने देना है। और उसके बाद फिर इसे आपको दूसरा कोट करना है। दोस्तों कलर आप दूसरा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ डार्क ब्लू लिया है, आप डार्क ब्लैक, डार्क रेड कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं। कलर का जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी पूरी मैं देता रहूँगा। हमारे जो नए दोस्त हैं तो यदि हमारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नए नए डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से डिज़ाइन कंप्लीट होता है और इसे हम शाइनिंग कैसे दे सकते हैं आखिरी में, और ये वाटरप्रूफ भी कैसे बन सकता है, वॉशेबिलिटी इसमें कैसे आ सकती है। उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इसके बाद हमें गोल्डन ले लेना है। गोल्डन में आपको पानी नहीं मिलाना है, आपको गोल्डन प्योर लेना है। और आपको 4 इंची एक रोलर लेना है, आप रेसे वाला रोलर लीजिए इसमें या फॉर्म वाला रोलर भी आप ले सकते हैं। और इसमें जहाँ जहाँ आपको डिज़ाइन है हल्के हाथों से आप एक सा चलाएंगे। आप यदि कहीं ज़्यादा दबा के चलाएंगे तो आपका डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। इसको हमें पूरे ग्रुपिंग में पूरी जगह जहाँ डिज़ाइन है सब जगह एक सा चलाना है। जब हम एक सा डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है उठ के दिखेगा, बहुत प्यारा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी शाइनिंग इसमें आ गई है। और हमने जो बॉर्डर बनाया था वो हमने ये मेटलिक कलर में बनाया है, शाइनिंग वाला कलर है ये, मेटलिक कलर है ये, हमारा रेड मेटलिक है ये, भी आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद हमारा डिज़ाइन
हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हम लास्ट में इसको 4 घंटे सूखने देने के बाद हम लास्ट में इसमें एशियन पेंट का जो है टचवुड बोलते हैं दोस्तों इसको, इसे हम मारेंगे। इसे आप एक कोट पहले मार दीजिए, उसके बाद दूसरा कोट मार दीजिए। इसमें आपका जो है बहुत ही अच्छी एक शाइनिंग देखने को मिलेगी और आपका जो टेक्सचर है बहुत प्यारा दिखेगा। और आपका जो टेक्सचर है कई सालों तक आपका ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि इसकी जो कोटिंग है बहुत अच्छी कोटिंग रहती है। ये हमेशा वाटर बेस हो जाती है, वॉशेबिलिटी रहती है, इसमें पानी का भी कोई असर नहीं होता है और आपके जो डिज़ाइन है वो टूटता नहीं है। इसमें आपका कोई भी किसी चीज़ का निशान नहीं पड़ पाते हैं, इसलिए इसकी कोटिंग कम से कम 2 कोट आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपका जो है डिज़ाइन बहुत प्यारा दिखेगा और बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहेगी इस डिज़ाइन में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।